राजद के घरेलू मामले पर बात करते हुए मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अपमान चाहे किसी का भी हो यह गलत है। पहले तेज प्रताप यादव, जगदानंद तो कभी रघुवंश बाबू का अपमान करते नजर आते थे। हम लोग उस समय भी आपत्ति जताते थे, अपना दुख व्यक्त करते थे। आज राजद पार्टी के अंदर एक भाई ने दूसरे भाई को किनारा करने का काम किया है, इस पर भी हम अपना दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन उस पार्टी से और उस परिवार से लोकतंत्र की कोई उम्मीद नहीं है। राजद में आज दोनों भाई एक दूसरे से बढ़कर की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से जो भाई कमजोर होगा उसकी हालत दयनीय ही होगी। आपकी क्या राय है? देखिए, किसी के साथ अपमान नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप अगर रघुवंश बाबू का अपमान करते थे या जगता बाबू का, तो उस दिन भी हम लोग इस पर दुख व्यक्त करते थे। आज भाई ने एक भाई को किनारे करने का काम किया है, तो इस पर भी हम दुख व्यक्त करते हैं, गलत है। लेकिन चूंकि उस पार्टी से या उस परिवार से लोकतंत्र की उम्मीद नहीं है, वो खुद में आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो एक भाई कमजोर होगा उसकी स्थिति तो दयनीय होगी। खगड़िया के मेयर आरजेडी में आज मुलाकात। विधानसभा में अलग विरोध से बात नहीं है, बात है संविधान। संविधान माने क्या होता है? सम माने बराबर, और विधान बराबर कानून। अगर किसी योग को दिए तो दूसरे को भी दीजिए, ये नैसर्गिक न्याय है। तुष्टिकरण के केवल एक ही को दीजिएगा, ये उचित नहीं है। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से कब मिलिएगा इस मैटर पर? मिलेंगे, आज कल में मिलेंगे उनसे।